गंगा उठा क्यों नहीं रही फोन? फोन बंद आ रहा है उसका, स्विच ऑफ है। लेकिन गंगा ऐसे कैसे कृष्णा को लेके बिना किसी को बताए जा सकती? मम्मा ये तो बता दो कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। सागर, हम कृष्णा को अपने गांव चंदापुर ले जा रहे हैं। मतलब अब हम गांव में रहेंगे, वापस कभी नहीं आएंगे, बोलो ना मम्मा। इस घटना में मरने वालों की संख्या 45 हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये बस बनारस से चंदापुर जा रही थी। मैं अभी इसी वक्त चंदापुर के लिए निकल रहा हूँ, वो लोग मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, उन्हें कुछ नहीं हुआ। सागर, कुछ नहीं है। तो आज से हम लोग एक टीम में हैं। यस। आज मैं आपको अपने पापा से मिलाऊंगी। आई लव पापा। लगवा ली ना छूट, इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह बिहेव करते हो। ठीक से कोई काम नहीं कर सकते हो ना तुम? जब नहीं करना आता तो क्यों कर रहे थे किचन में काम? जी मैं अम्मा जी को बता दूंगी, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा और जो कुछ भी होता है मुझे तुरंत बताइएगा, ठीक है? क्या बताना है अम्मा जी को, क्या कह रहे हैं नीरू? कुछ नहीं अम्मा जी, सब ठीक है। हॉस्पिटल की हालत बहुत बुरी है, कृष्णा और गंगा का कुछ पता नहीं चला, पुलिस भी ढूंढ रही है, लेकिन एक दो घंटे और लगेंगे। सागर, लल्ला, लल्ला को क्या हुआ? सागर ठीक है लेकिन वो चंदापुर के लिए निकल गया। अरे ऐसी हालत में उसे जाने क्यों दिया? नीरू ने रोका क्यों नहीं उसे? अम्मा जी इन्होंने सागर को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उसे पूरा विश्वास है कि गंगा और कृष्णा चंदापुर में ही होंगे। दुनिया कहती है कि तू सृजन को रचाता है, दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तेरे इजाजत के बिना बचपन से मैं यही मानती चली आई, इसलिए मैं तुझे हमेशा पूछती रही। ना दिन देखा ना रात, ना आंधी देखी ना तूफान, ना सूरज ना बारिश, कुछ भी छूट जाता मुझसे पर तेरी पूजा नहीं छूटती थी शालिक राम जी। ये बल दिया तूने मेरी भक्ति का, क्या कमी रह गई मेरी पूजा की? जो मेरी कृष्णा और मेरी गंगा मुझसे छीन रहा, क्या कमी रह गई मेरी पूजा की? मैं पूछती हूँ कि मेरे परिवार को सुख से वंचित कर रहा है? क्यों मेरे परिवार को अपनी खुशियों से वंचित कर रहे हो? अगर आज तूने मेरे कृष्णा को और मेरे गंगा को मेरे लल्ला से अलग कर तो आज के बाद इस घर में तेरा कोई स्थान नहीं रहेगा। हेलो मिस्टर सागर, इंस्पेक्टर शर्मा जी। इंस्पेक्टर सागर चित्र, एक्चुअली मैं आपके पिताजी को फोन कर रहा था मगर वो एक्सीडेंट स्पॉट पे गए हुए हैं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनका फोन नहीं लग रहा। उन्होंने जाते समय मुझे आपका नंबर दे गए थे इसलिए मैंने आपको फोन किया। निरंजन जी ने आपकी पत्नी और बेटी के बारे में हमें जो ब्रीफ दिया था उसी के आधार पर मैंने आपको यहाँ पे बुलवाया। एक्चुअली हमारे पास एक औरत और एक 7-8 साल की बच्ची की बॉडी आई है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। नो प्लीज, प्लीज नो। देखिए
वो मेरे गंगा और कृष्णा हो नहीं सकते हैं, तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत भी नहीं। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। आप नहीं समझ सकते, ठीक है? वो दोनों मेरे गंगा और कृष्णा नहीं है, सो प्लीज डोंट डू इट। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे। सागर, आपको बॉडीज आइडेंटिफाई करनी ही होगी। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज आप हमारे साथ आइए, प्लीज। आइए। ठीक है, क्या बोलो ना। अरे मैं आपको क्या बोला, जंगली अंकल या फिर पापा? जो तुम्हारा मन करे। पापा मैं चौके छक्के मारता था। अच्छा तू मुझे खेलना सिखा। नहीं नहीं, तू मेरी कोच है, नहीं सही बोल रहा। आप दोनों तो बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। मैंने तो बस ये बोला कि मुझे पतंग उड़ाना सीखना है। आप दोनों में से जिसको भी अच्छे से पतंग उड़ाना आता है वो मुझे सिखा दो बस। ये आपके? नहीं, ये मेरे गंगा और कृष्णा नहीं। हाँ मम्मी। सागर कहाँ है तू बेटा? मैं बस हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ। हॉस्पिटल क्यों गया है? तेरे पापा तो कह रहे थे कि तू चंदापुर के लिए निकल गया। वो मुझे बॉडीज आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया था। बॉडीज आइडेंटिफाई करते समय एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि वो गंगा और कृष्णा ही है। उस एक पल में बहुत डर गया था मैं। मम्मी, मैं गंगा और कृष्णा के बिना नहीं रह सकता। और ये जो कुछ हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है ना। मैं चैलेंज करता गंगा को, ये कंपटीशन सब ना, ये सब होता। मैं दोनों के बिना नहीं जी सकता। मम्मी, मर जाऊंगा मैं। सागर, अब ना जो ऐसी बात की। कुछ नहीं हुआ है गंगा और कृष्णा को, दोनों बिल्कुल ठीक है और जल्दी घर आ जाएंगे, तो चिंता मत कर। मम्मी, मैं चंदापुर के लिए निकल रहा हूँ, फोन रखता हूँ, ठीक है? वहां पहुंचते मुझे फोन करना। हाँ जी। Excuse me. ये चंदापुर जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी? भाई साहब, चंदापुर की बस यहीं से जाएगी, बस आधा घंटे में आती होगी। अच्छा, थैंक यू।
भाई साहब आपको चंदापुर जाना था ना जी, बस आ चुकी है। मम्मा ऑरेंज वाली नहीं चॉकलेट वाली खानी है। नहीं मम्मा स्ट्रॉबेरी वाली। ठीक है कृष्णा, मम्मा दो खाऊंगी। ओके ओके। और मम्मा पता है तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ, चाहता था कुछ नहीं होगा तुम दोनों को। मैं आई लव यू, मैं नहीं रह सकता तुम दोनों के बिना। कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों को, मैं नहीं जी सकता तुम दोनों के बिना, नहीं जी पाऊंगा मैं। भूल जाना सब कुछ, जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती थी। और तू जानती है ना मुझे, सच में होश नहीं था मुझे उस समय क्या हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ तुझसे। हम नई शुरुआत करेंगे और मैं तुझे पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आगे अब कुछ गलत नहीं होगा। गंगा तू नहीं जानती मुझ पर क्या गुजरी है, वो न्यूज, हॉस्पिटल, वो इंस्पेक्टर, सबने मिलकर ऐसे हालात बना दिए थे कि मुझे भी लगने लगा था कि मैंने तुम दोनों को खो दिया है। मुझे विश्वास था तुम दोनों को कुछ नहीं हो सकता। प्लीज गंगा एक बार मेरी आंखों में देख, मेरे प्यार को समझ। मैं नहीं रह सकता तुम दोनों के बिना। प्लीज गंगा जो हुआ उसे भूल जाना प्लीज। हम तुम्हारी बात समझते हैं साथ, लेकिन प्लीज बार बार माफी मत मांगो हमसे, मैं अच्छा नहीं लगता। गंगा अगर तू मुझे समझती है तो माफ क्यों नहीं कर देती है? एक बार साफ साफ मुझे बता दे कि तेरे दिल में मेरे लिए कोई जगह है या नहीं। तुम साफ साफ सुनना चाहते हो ना साक्ष, तो सुनो। जैसा कि हमने चिट्ठी में लिखा था, हम कृष्णा को अपने गांव चंदापुर लेकर गए थे, उसे अपना गांव दिखाना, वो जगह जहाँ पे हम अपने बप्पा के साथ रहते थे, उनका हाथ पकड़कर हम बिना किसी डर के घूमते थे। हम कृष्णा को अपने बप्पा और उनकी यादों से मिलवाना चाहते थे, जो गांव की उस घर की दीवारों में बसी हुई है। कृष्णा को अपने बप्पा से मिलवाने के अलावा हमारा एक और मकसद भी था सागर। हम जब भी परेशानी में होते हैं या किसी दुविधा में होते हैं, हम अपने बप्पा को याद करते हैं, और हमारे बप्पा के पास होने का एहसास हमें परेशानी से निकाल कर फैसला लेने में मदद करता है। हमने तुम्हें माफ़ करने का फैसला कर लिया ऐसा कर। लेकिन मुश्किल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से को कभी भूल नहीं पाएंगे सागर। हमारी ज़िंदगी का ये हिस्सा हमें मरते दम तक परेशान करता रहेगा। हम ये सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि हो सकता है वक्त के साथ साथ हमारा घाव भर जाए, हमारा दर्द कम हो जाए, लेकिन अभी के लिए हमारे रास्ते अलग हैं सागर। हम तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं।
ठीक है, मेरा अपराध इतना बड़ा है तो सजा कैसे छोटी हो सकती है? तू मुझे माफ नहीं कर सकती, ठीक है गंगा, अगर तुझे सच में जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बढ़, मैं कौन होता हूं तुझे रोकने वाला? लेकिन भले मैं शर्त हार गया हूं गंगा, लेकिन कभी ये मत भूलना कि मैं ही कृष्णा का पापा हूं, पर इसे मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, तू भी नहीं। मेरे पापों की, मेरे गलतियों की यही सजा है कि मैं तुमसे दूर रहूं। बच्ची से दूर रहूं। लेकिन मैं तुम दोनों को जाते हुए नहीं देख सकता हूं। यहीं तक का था, लेकिन पिछले दिनों में हमने जितना भी वक्त गुजारा ना एक साथ, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। मम्मी और अपनी मम्मी का ख्याल रखना, ओके? लेकिन जब आप चले जाओगे तब कौन बचाएगा मुझे? बहुत ब्रेव है, तुम्हें अपना और अपनी मम्मी का दोनों का ख्याल रखना है। पापा प्लीज, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। पापा प्लीज रुक जाओ ना, आप दोनों की गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? प्लीज रुक जाओ, मत जाओ ना पापा प्लीज। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, प्लीज।